अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिन जिस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल आप सब लोग देख रहे हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एक्चुअली वी आर बैक टू आर ओरिजिनल प्लेस, यानी कि मैं घर वापस आ चुका हूँ। एट लास्ट क्यों आया, कब आया, वो आपको एक ब्लॉग के अंदर बताऊँगा मैं, जो कि बहुत दिनों बाद आएगा, तो उसके लिए इंतजार करें। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का आज खेला जा रहा है फर्स्ट T20, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या प्लेइंग 11 खिलाएगा पाकिस्तान, उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। क्या खिलानी चाहिए, उसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। तो ड्यू स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले दो इंजरीज की अपडेट आ रही है। हसन अली इंजर्ड हो चुके हैं, जो कि कन्फर्म T20 से बाहर हो चुके हैं। कन्फर्म मतलब हसन अली कन्फर्म बाहर हो चुके हैं। दूसरी इंजरी की जो अपडेट है वो है मोहम्मद रिजवान की, जो कि पिछले मैच के अंदर इंजर्ड हुए थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान के चांसेस हैं कि वो आज खेलते हुए आपको नजर आएंगे, दिखाई देंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की इंजरी से वो रिकवर होते जा रहे हैं, रिकवर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। लेकिन हसन अली की रिप्लेसमेंट आपको चाहिए होगी। यार सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कहा है, शोएब अख्तर का कहना है, इवन उनके शाहिद आफरीदी का ये कहना है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलो भाई, अटैक करने जाओ, क्यों डिफेंड कर रहे हो, अटैकिंग अप्रोच अपनी रखो और अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेलो। तो यहाँ पर ये देखना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान आज अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी। शोएब अख्तर सर का भी ये कहना था, रमीज वाला सर ने भी यही कहा कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान को, और ये कहा यहाँ पर शाहिद आफरीदी, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, हर क्रिकेटर ने ये कहा, इवन के सारे एनालिस्ट ने, जर्नलिस्ट ने यही कहा कि यार अटैक करो यार, आप लड़के हारो। तो आज मुझे गट फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान ये मैच जीतने जा रहा है। इंग्लैंड की बेशक ये साइड है, लेकिन पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। तो लेट्स सी जीतता है या नहीं जीतता है। लेकिन जो सबसे पहले बात करते हैं वो करते हैं हम प्लेइंग 11 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 खेलेगी ये बेस्ट नहीं है, ये वो है जो खेलेगी। ओपन करेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। वन डाउन यहाँ पर आप लाएंगे अपने फखर जमान, फिर आपके आएंगे मोहम्मद हफीज, सोहेब मकसूद, आजम खान, इमाद वसीम, शदाब खान, ये खेले, ये मेरे हिसाब से खेलेगी जो मिसबा खिलाएंगे। फिर आएंगे आपके मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और शाहीन शाफरीदी, या शाहनवाज धानी तो है नहीं, या फिर वो आएंगे आपके वसीम जूनियर, या वसीम जूनियर, और फिर आपके अरशद इकबाल भी आ सकते हैं। शाहनवाज धानी तो आपने रखा ही नहीं है, अरशद इकबाल आ सकते हैं, और फिर आपके शाहीन हसनैन, या अरशद, या मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन हसनैन, या हारिस रऊफ, ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान खिलाएगा। हसन अली तो अब है नहीं टीम के अंदर, तो आप लोग कहते हैं वो मुझे बताएं। लेकिन यार शाहनवाज धानी को भी इन लोगों ने इस टीम के अंदर तो रखा ही नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि क्यों ही रखा है शाहनवाज धानी को इस टीम के अंदर, ये एक बहुत देखने वाली चीज़ है। और शाहनवाज धानी को इस टीम के अंदर होना चाहिए था। तो ये प्लेइंग 11 रहेगी जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से फखर को ओपन करना चाहिए शर्जील के साथ, या फखर को ओपन करना चाहिए रिजवान के साथ, फिर बाबर आजम आए, फिर आपके हफीज, सोहेब मकसूद, मैं तो सरफराज अहमद को नंबर 6 के ऊपर खिलाऊंगा, फिर रिमाज वसीम, शदाब खान, बल्कि शदाब को भी मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा यहाँ पर उस्मान कादिर को, मैं खिलाऊंगा अरशद इकबाल को, फिर अरशद इकबाल के साथ साथ शाहीन आफरीदी, और मैं खिलाऊंगा यहाँ पर मोहम्मद हसनैन को। आप लोगों का ओपिनियन नीचे कमेंट्स में। बाय बाय।